बनाने आए हैं और पब्लिक को बस एंटरटेन करने आए हैं, और बस आप सबकी प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, और हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे साथ में और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले तो हम दोनों भाइयों को देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम दोनों भाई बहुत खुश हैं, हम लोग फिल्म के शूट पे हैं। आज से फिल्म प्रारंभ हो रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं सूरज सर और भोजपुरी के टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हमारे बीच काजल रघवानी जी हैं। तो हम दोनों की ये पहली फिल्म है और मुझे लगता है कि पब्लिक ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद देगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग बनारस की धरती पर पधार चुके हैं, आज गणपति जी का पूजा हुआ, बहुत ही अच्छा प्रारंभ होने जा रहा है। और हम लोग कामना करते हैं कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाए, और हम अंकुश और काजल जी का जोड़ी बात हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और लगातार हम लोग आई होप के करते रहें फिल्म। जरूर जरूर। स्पेशल थैंक यू है इनको, इनके वजह से ही संभव हो पाया है। और दो सब सर भी बोलेंगे। हाँ। आपने दीवानापन किया है खेसारी जी और काजल जी के जी, काजल जी और अंकुश राज है, जोड़ी आप बदल रही है। क्यों, ऐसा क्यों? सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैं तरासी किया तो मुझे अंकुश राजा बहुत पसंद आए, दीवानापन किया तो काजल जी आए, तो मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया इस बार, ताकि एक बेहतर उन दोनों से भी बड़ी पिक्चर बने। और वैसे भी जोड़ियां बदलती रहनी चाहिए ताकि पब्लिक भी बोर ना हो और पब्लिक भी एंटरटेन रहती रहे, हमेशा करती रहे हमें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग अलग दिखाए हम पब्लिक को और उनको एंटरटेन करें, बस यही कोशिश रहती है। और हम सबके साथ काम कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, और करना भी चाहिए एक्चुअल में। वाह, सही बात। प्रोड्यूसर तो हमारे नहीं है, लेकिन जो भी हैं, लेकिन हमारे जो रत्नाकर जी हैं जो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, उनके लिए उनको दिल से धन्यवाद। और सभी दर्शकों को आज हमारी फिल्म का शुभ मुहूर्त हुआ है, तू मेरी मोहब्बत है, और एक पिक्चर और है प्रोडक्शन नंबर 2, जिसका टाइटल क्लियर नहीं है, तो जल्दी क्लियर हो जाएगी। इसमें यही जोड़ी नजर आएगी, शायद हमने बात किया हुआ है, अब देखते हैं। हाँ, अभी कन्वेंसिंग चल रहा है, डेट और डेट और बाकी चीज़ों का अभी भी रुका नहीं है, कन्वेंसिंग चल रहा है। एक्चुअली ये बेसिकली लव स्टोरी ही है, एक्शन कॉमेडी फुल मसाला इंटरटेनमेंट, बाकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो परिवार के साथ लोग देख सके, इन बातों को पूरा ध्यान रखा जाएगा, और हमेशा हम रखते हैं, हमारी फिल्मों में रहता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और हमारे साथ बेस्ट हमारे भोजपुरी के सिंगर्स तो हैं ही, जो कि आज मतलब बहुत ही टॉप पे चल रहे हैं, हमारे अंकुश राजा जी जो है, और इन्हीं की आवाज़ में आपको गाने भी सुनने मिलेंगे। और मूवी की स्टोरी भी बहुत प्यारी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी, लव स्टोरी है, और मैं किसको मिलती है वो आपको फिल्म देख के पता चल जाएगा। एक बात और कि हम लोग तो गाते ही हैं, ये भी बहुत अच्छी गाती है। हाँ, मैं कच्ची पक्की मतलब ऐसी। अरे नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं, हम एल्बम का सॉन्ग सुने भी हैं, देखे भी हैं। हाँ। और बहुत सुंदर। एक मुझे जो अच्छा लगता है इनका सबसे अच्छा सॉन्ग निमिया के दाढ़ी मैया। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिन आप और अंकुश राजा और बिल्कुल 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 कुछ भी हो सकता है, अभी तो प्रारंभ है जो सर है तो जरूर भगवान चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। भोलेनाथ की धरती पे हम लोग बस उनका आशीर्वाद बना रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद बना रहे हैं, इतना ही प्यार देते रहिए, और हमारे जो हमारे नए स्टार्स हैं अंकुश राजा जी, उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिए, उनको भी टॉप पे पहुंचाइए, बस आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू जी। कुछ स्क्रिप्ट पढ़ा देना सवाल हो सकता है। अभी तो हम पहली बार मिले हैं, वो तड़कते भड़कते आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएंगे, अभी ये फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है साथ में, हम कभी मिले भी नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी आज मिले हैं वो भी,
तो आगे नो डाउट अच्छे दोस्त बनेंगे और कुछ अच्छा हम आपको तड़कता भड़कता कमेंट भी देंगे। हाँ एक्चुअली हमारे ये कई फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिर ये भी बनने जा रहे हैं, ये डायरेक्टर बस सॉरी बनने जा रहे हैं मतलब करने जा रहे हैं इस फिल्म, तो इनका इनका बहुत बड़ा साथ है जो मैं मतलब ये डायरेक्टर से प्रोड्यूसर में कदम रखा हूँ, तो ये पूरा मतलब मैंने यही सोचना अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर यही है बस मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरा मतलब अंदर से ये है और उस तरह का इनका पूरा सपोर्ट है और ये सपोर्ट तो हमारा दोनों तरफ से बना रहता है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। आज ऐसा लग रहा है कि यही प्रोड्यूसर है। हाँ एकदम एकदम लगना क्या है, लगना नहीं है, मैं वो है ही। है। हम आप, फ्रेम में आप कैमरा के बाद भेजवा सकते हैं इनको फ्रेम में आ गए हैं यही हम लोग तो सारे चीज इन्हीं का मतलब सब मिला के इनके सपोर्ट से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ करके बहुत अच्छी फिल्म है और निश्चित ही जैसे हम लोग सूरज जी हम लोग मिल करके दीवानापन और इससे बढ़िया पिक्चर पहले भी बनाया है तो उससे बढ़िया ये फिल्म पेटेंट वही है, राइटर हाँ, भी हमारे वही है मनोज जी जो भी हर कदम हम लोग एक कदम आगे ही रखना चाहते हैं इंडस्ट्री में और एक अच्छा चीज़ लेके आते हैं और कहानी के बारे में हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिल्म देखने के बाद पता चलेगा उसका अलग मजा देखने में मजा देखने लेकिन अच्छी कहानी है और पिक्चर भी बहुत अच्छा बने जाहिर सी बात है जी। बस यही कहना चाहेंगे कि पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं तो बस ये उम्मीद लेकर काम कर रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक हैं हमारे जो दर्शक हैं भगवान स्वरूप वो हम दोनों भाइयों को और काजल जी को बढ़ चढ़ करके प्यार आशीर्वाद देंगे। देखिए हमारा इसी उम्मीद के साथ काम भी कर रहे हैं। हमारी फेवरेट हीरोइन काजल लगवानी, हमारा फेवरेट सिंगर अंकुश राजा, अब इससे भी और उससे ज़्यादा क्या चाहिए अच्छा काम किया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है सर कि आपको थैंक यू सो मच कि आपने हम दोनों भाइयों पर विश्वास किया और इतना बड़ा कदम उठाया तो हम दोनों भाइयों को आप लोगों का करियर था आपने हम पे विश्वास किया और हमारे साथ काम किया भी तो बहुत बड़ी बात है। चलिए क्या है कि सर वो आपका सोच ये सर का बड़प्पन है और हम लोग एक सिंगर और एक्टर और डायरेक्टर के हिसाब से नहीं रहते हैं आपस में मतलब एक गार्जियन है सर दोस्त हैं हर चीज़ में हर चीज़ शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगता है छोटी सी छोटी बातें भी शेयर कर लेते हैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ ये हम लोग बहुत लंबी हाँ लंबा समय चला जब भी लेके आते हैं एक अलग फिल्म हाँ तो इसीलिए तो मैं इनको भी इसमें रखा कि ताकि अलग रहे कुछ इनका गड़बड़ ना हो जाए और अलग रहेगा ही और अच्छा जोनर का है और क्योंकि लव स्टोरी और इमोशनल फिल्म बनाने के लिए सूरज जी को महारत हासिल है हाँ एक और बहुत अच्छा बनेगी हाँ हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में सिनेमा देखिए हम लोग एक अच्छे दिशा और एक अच्छे दशा पे पहुँचे। हमारा दो जो चीज़ें ध्यान रखना है एक तो पब्लिक को इंटरटेनमेंट करना है दूसरा ये है दूसरी बात यह है कि परिवार देख सके उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो वो पूरा हमारे हर फिल्म में रहता है उसमें कोई वो नहीं और इसमें भी वो सारी चीज़ें रहेगी मनोरंजन पूरा रहेगा लेकिन परिवार के साथ हाँ यही मिलेगा त्याग और बलिदान का क्या मायने होता है वो सब चीज़ें इसमें है एंड में मैसेज। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।